Uh, जो जो उसकी जो इंसान ने कपड़े होते हैं है ना उसमें उसके इमोशंस होते हैं जो उसके लास्ट टाइम में उसके जो कपड़े पहने होते हैं है ना और उस टाइम पे जो वो ट्रांस फेज में होता है बॉडी से मतलब आत्मा सेपरेट होने शुरू होती है तो वो एक इमोशनल फेज होता है जो एक सोल की जर्नी होती है और उसमें जो उस टाइम उसने पहना होता है जो कपड़े पहने होते हैं एक प्राणी ने वो कपड़े होते हैं जिसमें उसकी एनर्जी होती है उस टाइम की और वो क्योंकि एक फेज चल रहा होता है बॉडी ट्रांसिट करने का बॉडी मतलब सोल का छोड़ने का हुँ. तो वो जो उस टाइम पे जो वो एनर्जीज हैं वो उन कपड़ों में एब्जॉर्ब होती हैं उस टाइम पे मेरी भी जो भी चीज होगी मेरी वो चीज उसमें वो एब्जॉर्ब होती हैं है, है ना तो जो उस टाइम पे कपड़े हैं क्योंकि उसके बाद हम लोग नहलाते हैं बहुत अच्छे रिचुअल्स हैं हमारे सनातन के कि उसके बाद हम उनको नहलाते हैं और नए कपड़े पहना देते हैं सो so दैट वो नेगेटिव जो चीजें हैं वो पीछे रह जाती हैं तो वो जो कपड़े उस टाइम पे उन्होंने पहने होते हैं वो कपड़े हैं जो हम लोग डोनेट कर देते हैं वो हम लोग किसी को भी दे सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनको जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कपड़े हम उनको दे सकते हैं या डिस्कार्ड भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी जो रहती है वो जो इंसान उसको यूज करेगा उसको इफेक्ट तो जरूर करेगी uh, मैं यहां पे एक, uh, एक एक बात ये भी बोलना चाहती हूँ तो इस हिसाब से तो uh, जो तो वो हर चीज करनी चाहिए जो उसने उस टाइम पे पहनी हुई है तो अगर गोल्ड वगैरह भी पहना हुआ है तो फिर तो वो भी करना चाहिए है ना बट मैंने नहीं देखा कि कभी कोई पहना हुआ है जो गोल्ड है लोग तो मैंने देखा कि पहले ही उतार लेते हैं है ना तो या तो वो भी चीजें आप साथ में डोनेट करें बट क्योंकि बहुत सारी चीजें आप इंसान ने जो एक बहुत लोग कहते हैं कि हाँ जी उनके सारे कपड़े डोनेट कर देने चाहिए तो उस चीज पे मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि उससे बेटर उससे ज्यादा इमोशंस तो उनके उस घर में जुड़े हुए हैं जिसको आप रख रहे हो उससे ज्यादा इमोशंस तो उसके उन चीजों में है चाहे वो सोफा है चाहे अलमारी उन्होंने खरीदी है चाहे उन्होंने बेड खरीदा है क्योंकि वो हार्ड एंड मनी से वो उन्होंने जी. इतना बड़ा घर बनाया तो हम लोग वो सारी चीजें तो रख लेते हैं हम सिर्फ एक उनके के साड़ी है ये सारी चीजें हैं ये हम नहीं पहनेंगे ये दे दो किसी को हाँ किसी को जरूरत है तो आप जरूर दे सकते हो सिर्फ इसलिए कि वो इंसान चला गया है उसकी उसमें अम, सारी नेगेटिव एनर्जी है तो नहीं होती नेगेटिव एनर्जी या जो एनर्जीज हमारे लिए नहीं अच्छी है वो सिर्फ उस टाइम की नहीं अच्छी है जिस टाइम पे वो जो कपड़े उसने पहने हुए हैं जब वो दे त्याग रहे होते हैं जब हमारे प्राण छूट रहे होते हैं सिर्फ उसी चीज में वो एनर्जीज होती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है बाकी है उनके घर में जितनी सारी चीजें हैं जो उनकी हैं वो सारी चीजें उनमें कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं होता अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि लोग उन चीजों को भी फिर डोनेट करते वो उसमें उनकी आ, इमोशंस जरूर रहते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करके हर हाँ चीज बनाई होती है तो हमें उनको वर्शिप करना चाहिए और उनको एक ब्लेसिंग समझ के हमें हर हाँ चीज को रखना चाहिए और ऐसे नहीं डिस्कार्ड करने चाहिए अगर आपको लगता है कि उनके कपड़े और उनके जो लिए हुए बिस्तर है या बेड है वो डिस्कार्ड कर देने चाहिए तो नहीं ऐसा नहीं है आप उनको किसी जरूरतमंद को दे सकते हो उनको डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं हर हाँ चीज नहीं डिस्कार्ड करनी सिर्फ उसी टाइम के कपड़े आपने करने करने हैं हैं जो तो अगर आपने करने हैं तो बाकी सारी चीजें उनके ब्लेसिंग्स हैं हर हाँ, चीज उनकी ब्लैसिंग है और अपने बच्चों के लिए तो हमेशा जो लोग चले गए बच्चे हैं या जो भी हैं अपनों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं थैंक यू सो मच मैम हमें एक और इम्पोर्टेंट important... इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच साथ ही अगर आप और अपने क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं सवालों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पायर सेवेद को फॉलो कर सकते हैं साथ ही मैम का नंबर भी मेंशन है आप मैम को कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं थैंक यू सो मच